बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीमेल आईडी का पासवर्ड रिसेट कैसे करें। तो भाई अगर आप अपनी जीमेल आईडी को लॉगिन करना चाहते हैं और आप अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड भूल चुके हैं और अब आप अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड रिसेट करना चाहते हैं ताकि आप जो है एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सके, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड भी चेंज कर पाएंगे। तो भाई कैसे आप अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड रिसेट करेंगे, चलिए आज की वीडियो में जान लेते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप अपने फोन में जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हम जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, उसके बाद जो भी आपकी जीमेल आईडी लॉगिन होगी यहाँ पर शो हो जाएगी। अब आपको अपनी जीमेल आईडी के लोगो पर क्लिक करना है, ऊपर राइट साइड में आपको लोगो दिखाई देगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने अपने फ़ोन में जीमेल आईडी बना रखी होगी सब यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको मिलेगा ऐड अनदर अकाउंट, तो सिंपली आपको ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करना है। ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक गूगल का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप गूगल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो चेकिंग इन्फो चलेगा। अब उसके बाद जो भी आपने पैटर्न पासवर्ड या फिर फिंगरप्रिंट लगा रखा होगा तो यहाँ पर आपको दे देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर चेकिंग इन्फो चलेगा। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा और यहाँ पर देखिए आपको अपनी ईमेल को यहाँ पर डाल देना है। ईमेल को यहाँ पर इंटर करेंगे, ईमेल इंटर करने के बाद आपको नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कैप्चा आएगा, इसको यहाँ से आप जो है टिक मार्क करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आई एम नॉट ए रोबोट, सिंपली आप यहाँ पर टिक करेंगे। यहाँ पर टिक करने के बाद इस तरीके से कैप्चर आएगा, अब यहाँ पर आपको जो है टिक कर देना है इस तरीके से। उसके बाद आप जो है नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने कैप्चर हो रहेगा। उसके बाद फिर से आपको ऐसे कर देना है और वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पर जो है कैप्चर कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद नीचे में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको मिलता है इंटर यूर पासवर्ड। अब जाहिर सी बात है कि पासवर्ड तो आप भूल चुके हैं, आपको याद नहीं है कि आपने अपने जीमेल आईडी में क्या पासवर्ड डाला था। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से वेरीफाई चलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं मोमेंट हो रहा है। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा वेट करेंगे और जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कम्प्लीट होता है तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको मिलता है अपडेट पासवर्ड कंटिन्यू। अब आपको कंटिन्यू नहीं करना है, आपको करना है अपडेट पासवर्ड, क्योंकि हमें अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड रिसेट करना है और साथ ही साथ चेंज भी करना है। इसके लिए हम अपडेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। अपडेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद अब देखिए आपके सामने मिलता है चेंज पासवर्ड, यानी यहाँ से आप अपने एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और आपका जीमेल आईडी का पासवर्ड भी रिसेट हो चुका है। अब आप अपने जीमेल आईडी का एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रिएट पासवर्ड, अब यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड बनाना है और नीचे में आपको कंफर्म करना है। तो फटाफट से हम जो है न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं और पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, 8 चैप्टर का होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ जो आप पासवर्ड डालेंगे वही आपको नीचे में कंफर्म करना है, कंफर्म वाले बॉक्स में आप जो है वही पासवर्ड कंफर्म कर देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लिया है, उसके बाद आप सेव पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और सेव पासवर्ड पर क्लिक करते ही आपकी जीमेल आईडी आपके फोन में लॉगिन हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम यस आई एम ई यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यस आई एम पर क्लिक करने के बाद अब आपको आई एग्री पर क्लिक करना है, आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री पर जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर लोडिंग चलेगा, उसके बाद देखिए गूगल सर्विस, उसके बाद आप यहाँ पर जो है ऊपर में आईडी के लोगों पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। देख सकते हैं कि जीमेल आईडी है, मैंने यहाँ से पासवर्ड रिसेट कर लिया है, चेंज कर लिया है। इसी तरीके से आप भी अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलता है फिर एक नई वीडियो के साथ, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।